पार हुई भिवंडी पानी पानी, आपके स्क्रीन पर चार तस्वीरें दिख रहे हैं। पहली तस्वीर जो आपको दिख रही है वो सेलार गांव की है, जहां की हालत सबसे दयनीय है। उसके बाद जो आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं ये गोपाल नगर की है, जहां की सड़कें आपको नदी और तालाब के जैसी दिख रही होंगी। तीसरी तस्वीर जो आपको दिख रही है ये मंडई की है, तीन बत्ती की, जहां पर पूरे मार्केट में पानी का जल जमाव है। और चौथी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये तस्वीर देखने लायक इसलिए है कि पानी का प्रभाव कितना बड़ा होता है। इतना वजन होल का ढक्कन पानी के इतने बड़े प्रेशर से बाहर निकलने को तैयार आप देख रहे हैं चार देश से। लेकिन अब हम एक एक तस्वीर पर बात करते हैं कि सबसे पहले हम आपको लेकर चलेंगे कि पूरे भिवंडी में यदि अगर इस बरसात ने सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी की है तो वो सेलार कर के लिए। सेलार गांव की हालत ऐसी है कि जब कामावरी नदी उफान पर आती है, बरसात अपना विकराल रूप धारण करती है, तो सबसे पहली तस्वीर अगर बनती है, अगर सरकार बरसात किसी को सबसे ज्यादा परेशान करती है तो वो सेलार कर को। आप देख सकते हैं यह दृश्य कि ठीक कामावरी नदी के बगल में बसा यह छोटा सा एक गांव, जहां पर लोग अपना आसियाना छोड़कर ठेले पर जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात है इनकी ओर देखने वाला कोई नहीं, ना तो अब तक इनके पास कोई शासन प्रशासन की ओर से गया है, ना ही अब तक इनके लिए कुछ राहत पहुंची है। हालांकि सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने तरफ से कुछ ना कुछ देने का, उनको खाने पीने की व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। जैसे तुफेल फारूकी जो कि एक अच्छे समाज सेवक हैं, उन्होंने वड़ा पाव वहां पर बंटवा कर वहां के लोगों को थोड़ी सी राहत पहुंचाई, पर कहते हैं कि पूरा परिवार यदि अगर हफ्तों से अपना आसियाना छोड़कर ठेले पर व्यतीत करता हो तो आप समझ सकते हैं कि उनका दर्द कितना होगा। पर शासन प्रशासन चुप्पी साधी बैठी है। अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये गोपाल नगर की है। यहाँ पर जैसे ही बरसात अपना विकराल रूप धारण करती है तो यहाँ की सड़कें नदी और तालाब में तब्दील हो जाती हैं। ऐसी तस्वीर बनती है कि यह सड़क नहीं बल्कि यह तालाब और नदी है। वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी ही मुश्किल से फोर व्हीलर आ रहे हैं। बाइक की बात छोड़े, राहगीरों की तो बात ही छोड़ दे, वो वहां जा ही नहीं सकते क्योंकि उनके कंधे के ऊपर वहां पर पानी लगा हुआ है, तो वो जाए कैसे। वहां पर खास करके देखा जाता है कि जिस तरीके से बरसात का पानी का जलजमाव शुरू होता है, वैसे वैसे मनपा के ड्रेनेज सिस्टम ड्रेनेज को लेकर के मनपा कितना सतर्क रही है, उसका पोल खोलना शुरू होता है। नाले सफाई में महानगर पालिका ने अब तक क्या गुल खुला है ये दृश्य देखकर आप समझ सकते हैं यहाँ की तस्वीर क्या है और मनपा प्रशासन क्या कर रही है। अगली तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये तीन बत्ती की है। यहाँ हर साल की ऐसी तस्वीर बनती है, पर इतने सालों से यहाँ की बनी समस्या पर निदान पाने के लिए अब तक महानगर पालिका ने कोई भी प्रयत्न नहीं किया। यदि अगर वहां का ड्रेनेज सिस्टम सही किया जाए और वहां पर खास करके पानी का निकासी का जरिया बनाया जाए तो वहां के लोगों को भी राहत मिल सकती है। पर जैसे जैसे बरसात की बूंदें बढ़ती चली जाती हैं, वैसे वैसे मार्केट में रोजी रोटी कमाने वाले उन व्यापारियों का दिल की धड़कन भी वैसी तेज होती चली जाती है कि अब हमारे धंधे और रोजी रोटी का क्या होगा। आप ये दृश्य देख सकते हैं कि क्यों ना उनके दिल की धड़कन बढ़े, पर इस पर शासन और प्रशासन ध्यान देने को बिल्कुल तैयार नहीं। चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं जो दृश्य पे, वो है कि पानी का प्रभाव क्या होता है। ये आप देख सकते हैं कि यदि अगर चारों तरफ से चौकप रहे, अगर कहीं पानी का निकासी का जरिया ना मिले तो ओवरफ्लो होकर किस तरीके से ये होल का ढक्कन पानी के प्रेशर से निकलने को तैयार है। ये चारों तस्वीर आपके सामने रखी गई है, पर इनके ऊपर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। खास करके सेलार गांव हो, गोपाल नगर हो, तीन बत्ती हो और ये होल का एक आप ढक्कन देख रहे हैं। हालांकि आधी भिवंडी में ऐसी समस्याएं हैं, पर सबसे ज्यादा जहां के लोग परेशान हैं, हमारी कोशिश है कि वहां के लोगों को कुछ राहत मिले।
पर शासन और प्रशासन इस पर क्या ध्यान देती है, ये तो समय ही बताएगा कि आखिरकार शासन और प्रशासन को इस शहर के लिए कुछ करना है या नहीं। कि इसी तरीके से यहाँ बरसात में जलमग्न होते रहेगी शहर। और यहाँ जो है गटर का पानी नदी नाला का पूरा डूबा हुआ है और हर आदमी धंधे वाला से लेकर सब लोग यहाँ परेशानी में है और यहाँ कोई कुछ कर नहीं रहा है। ये जो रोड जाता है कहाँ जाता है? ये जो वाड़ा रोड है ये पूरा वहाँ काफी दूर तक भरा हुआ है। हाँ, ये सेलार गांव तक पानी है। पुलिस स्टेशन भी है यहाँ पर एक? हाँ है। तो पुलिस स्टेशन में भी पानी है? हाँ पानी है ना वहाँ।